दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विजेता मेंढक। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले एक ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरा नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही भी हो भी रहा था, जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक दो तीन बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे। तब भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फ्रेंड्स, हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आँख बेरते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हमें कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, और तब हम सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा।